निंदा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका अफसोस है, दुख है। और हम इस घड़ी में उस बेटी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और खड़ा रहेंगे। हरियाणा के बल्लमगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड पर जहां पीड़ित परिवार से लेकर हर किसी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, वहीं आरोपी लड़के पक्ष के लोगों ने भी इस घटना पर अफसोस व दुख जताया है। आरोपी लड़के के चाचा बसपा नेता जावेद अहमद ने कहा है कि यह दुख की घड़ी है, हम बेटी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो परिवार के बारे में दबंगई इत्यादि की बातें हो रही हैं, दबंगई गुंडागर्दी को कहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार ने इलाके की सेवा की है और इलाके ने उसका फल दिया है। पिछले 70 सालों से अधिक की राजनीति में उन्हें किसी एक बिरादरी ने नहीं बल्कि 36 बिरादरी ने मान सम्मान दिया है। उनके परिवार से MLA, MP, मंत्री, चेयरमैन इत्यादि पदों पर रहे हैं। चौधरी जावेद अहमद ने कहा है कि उनका परिवार जात पात धर्म में विश्वास नहीं रखता, यह बेकार व बेबुनियाद बातें हैं। जब उनसे 2018 में हुए घटनाक्रम के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि मामला उनके नोटिस में नहीं आया, अगर कुछ बड़े लेवल का मामला होता तो उनके संज्ञान में आता। लड़की का परिवार अच्छा व समझदार परिवार है, उस परिवार ने अपने स्तर पर ही मामले को सॉर्ट आउट किया होगा। उस समय उन्होंने किस तरह मामले को सॉर्ट आउट किया यह वही परिवार बता सकता है। जहां तक कानून की बात है, कानून उसमें भी अपना काम कर रहा था और आज भी अपना काम कर रहा है। जिसका फैसला कोर्ट करेगा, जैसा किया है उसका फैसला कोर्ट करेगा। आपको बता दें कि लव जिहाद के मामले पर उन्होंने कहा है कि मेवात लव जिहाद को नहीं जानता, यहाँ 36 बिरादरी के लोगों का भाई बहन चाचा ताऊ का आपस में रिश्ता है, सब धर्म एक है, उनका परिवार सबको साथ लेकर चलता है। उनके पूर्वजों ने उन्हें कभी जात पात धर्म बिरादरी का पाठ नहीं पढ़ाया। हम निंदा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका अफसोस है, दुख है और हम इस घड़ी में उस बेटी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और खड़ा रहेंगे। कि आप तो मेवात से लोकल हैं, सारे कुछ जानते हैं परिवार के बारे में भी हमारे बारे में भी। जहाँ तक सवाल दबंगई का है, दबंगई के लिए होती गुंडागर्दी, हमने तो अपने इलाके की सेवा की है और सेवा का फल हमारे लोगों ने हमें दिया है। 70 साल से 100 साल से आज हम राजनीति में हैं तो खाली एक कौम से या एक समाज से थोड़ी है। हमारे परिवार में लोगों ने MP भी बनाए, MLA मंत्री भी बनाए, भाई बाप भतीजे, तो हमने तो 36 बिरादरी की सेवा करी है। हम तो सेवा करने वाले, हम कोई दबंगे ही नहीं है और हम जात पात और धर्म इन चीज़ों में हम भरोसा नहीं रखते, इन चीज़ों में हम विश्वास नहीं रखते, ये तो बेकार की बेबुनियादी बात है। लग रहे गंभीर आरोपों को लेकर चौधरी जावेद अहमद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि माता पिता का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है, इस दुख की घड़ी में सब उनके साथ हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन कुछ लोग इसमें सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। बसपा नेता ने कहा है कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जिस तरह मामले को जोड़ा जा रहा है, इससे उनका परिवार आहत हुआ है। मुख्य आरोपी तौसिफ के बारे में जब उनके चाचा जावेद से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि लड़के में शराब धूम्रपान इत्यादि जैसी कोई लत नहीं थी, इसके अलावा खेल शिक्षा व्यवहार में भी वह कभी कोई शिकायत लेकर नहीं आता था, उसका दिमाग अचानक कैसे खराब हुआ यह उनकी समझ से भी बाहर है। उन्होंने यह भी कहा है कि वारदात के समय जो साथी लड़का उसके साथ था उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जहां तक वारदात को अंजाम देने की बात है तो कोई माता पिता ऐसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं देगा जिससे उनका भविष्य खराब हो और सारे परिवार पर तरह तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। चौधरी जावेद अहमद बसपा नेता ने कहा है कि ना वह गलत के साथ थे और ना है, जो हुआ वह बेहद अफसोसजनक है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली के पोस्ट। लव जिहाद का एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है, 2018
2018 में भी कहा जा रहा है कि एक बार समझौता हुआ था, क्या कहा? नहीं, 2018 की चीज़ मेरे नोटिस में नहीं है। कोई बड़े लेवल की बात होती तो शायद हमारे नोटिस में आती। वो परिवार बहुत ही अच्छा और समझदार परिवार है, और कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा कोई मैटर हुआ होगा उस टाइम, उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया है। अब सॉर्ट आउट कैसे किया है, वो रिटर्न में जो भी होगा मुझे तो उसके बारे में पता नहीं है। कानून अपना काम उस टाइम भी करा होगा, आज भी कर रहा है कानून अपना काम। कोर्ट इसका फैसला देगा, जिसने जैसा किया है वैसी उसको उसकी सजा मिलेगी। लव जिहाद का जो जहाँ तक कहा जा रहा है, नहीं नहीं लव जिहाद से क्या मतलब बनता है? लव जिहाद होता क्या है? हमारे मेवात में लव जिहाद को कोई जानता है? हमारा रिलेशन 36 बरादरी से है, हमारा बहन भाई चाचा ताऊ का रिश्ता है। हम आज से नहीं है, 100 साल से राजनीति में हमारा बुजुर्ग चले आ रहे हैं, तो हमारा तो 36 बरादरी से प्यार है। सब धर्म हमारे धर्म है, सारा समाज हमारा समाज है। हमें पता नहीं, हम नहीं रखते दो धर्मों में विश्वास। हमारे लिए सारे धर्म एक है, सबकी इज्जत करते हैं, सबको मानते हैं, और सबको ही हम एक समान लेके चलते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो विरोधी हैं वो इस तरह की बातों को तूल दे रहे हैं ताकि राजनीतिक परिवार की छवि खराब हो? मेरी कई बाइट हुई है, कई न्यूज़ चैनल्स आए, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो विरोधी लोग या राजनीतिक लोग वो कह रहे हैं वो तो है उनकी राजनीति की टिप्पणी, लेकिन अगर माँ और बाप ऐसी बातें करते हैं तो ये उनका गुस्सा है, और उनका गुस्सा जायज है। ऐसी घटना किसी के बच्चे के साथ हो तो हमारे साथ भी होगी, तो हमारे दिमाग में दिल में जो आएगा हम कहेंगे, और वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनकी तरफ से उनको ठीक लग रहा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। दुखद भरी घटना तो है ही, नहीं मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ लव जिहाद को या धर्म परिवर्तन को नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इससे हम ज़्यादा आहत हुए हैं कि हमें धर्म और लव जिहाद के साथ जोड़ना। हमने समाज की सेवा की है, अपने इलाके की सेवा करी, मेरे बुजुर्गों ने सेवा करी है, हमें ये संस्कार दिए हैं। हमें ये नहीं बताया गया एक आज तक धर्म हिंदू का अलग है मुसलमान का अलग है, धर्म एक है, सिर्फ मानने का तरीका अलग है। वो अपने तरीके से मानता है, कोई अपने तरीके से मानता है। तो सिर्फ जो लड़का है और उसका जो साथी है ये क्या करते थे? साथी को मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक सवाल तौसीफ के लड़के का है, बड़ा नेक लड़का था। अपने स्कूल टाइम में मैं तो बहुत थोड़ा सा इससे मिलना जुलना था, क्योंकि तो कहता था कि अपने रेस रूस कराया करता था, उसमें फर्स्ट आया करता था, स्कूल का टॉपर था, स्पोर्ट्समैन था, एथलीट था स्कूल का, और कभी कोई ना कोई शराब स्मोकिंग कोई किसी तरह का ऐप नहीं था। पता नहीं इस बच्चे का अचानक कैसे दिमाग खराब हुआ है। मैंने एक छोटी सी बाइट सुनी थी उनकी लड़की की अम्मा की, लड़की की माँ बोलती है कि 2 साल, जैसा उसने बताया कि 2 साल पहले भी हुआ है, तो 2 साल पहले के बाद उसकी लड़की माँ ने कहा कि उन 2 सालों में कोई कंप्लेंट ही नहीं आई, तो इसलिए हमें नहीं पता लगा होगा, और यदि ऐसी कोई बात थी हमारे नोटिस में नहीं आया, वरना हम इस चीज़ की बिल्कुल। कौन दुनिया का माँ बाप है जो अपने बेटा बेटी को छूट रहे? बच्चों को स्कूल भेजा जाता है उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छे संस्कार पाने के लिए, कोई नहीं करता गंदे काम को, सराहना नहीं देगा, और हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। हम गलत के साथ नहीं थे ना है,